गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? तो मैं आज आपके लिए फिर न्यू वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि आरएफ सर्वे कैसे होता है और आरएफ सर्वे क्या होता है और इसमें क्या क्या आपको पिक लेनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या टूल यूज होते हैं और क्या क्या जो भी टूल यूज होंगे, तो आज मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो मैं आपको अपनी वीडियो प्रेजेंट करता हूँ। तो इससे गाइस, जैसे कि हमारे को आरएफ सर्वे, तो ये मैंने एक क्या की है वीडियो, तो इसमें हम देखेंगे कि आरएफ सर्वे, सर आरएफ सर्वे ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन सी पिक लेनी होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरएफ सर्वे क्या होता है। तो आरएफ सर्वे में हमारे पास एक न्यू साइट होती है, न्यू साइट होती है तो उसके हमारे पास तीन फॉरेन होते हैं। तो हमारे को तीनों फॉरेन और एक न्यू साइट होती है, जिसके मिला के हमारे की चार साइट हो जाती है। तो इसके हमारे को नियर एंड की जो पिक लेनी होती है, जो हमारी न्यू साइट है, तो हम उस पर जाते हैं। सबसे पहले हमारे को जो पिक लेनी है, रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो नियर एंड पे हमारे को पिक लेनी है, जिसमें से हमारी एक होती है पेनारोमिक पिक, जो कि पेना पिक भी बोलते हैं हम। तो हमारे को कौन सी आरएफ सर्वे में पिक लेनी होती है? पेना पिक लेनी होती है, फायर की जूम इन जूम आउट पिक लेनी होती है, जीपीएस पिक लेनी होती है, साइड पिक लेनी है, तो जहाँ पे हमने टावर अपना लगाना है। तो और एक बिल्डिंग पिक की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे को बिल्डिंग का लेआउट बनाना है, प्रॉपर पूरा अच्छे से तैयार करना है। और हमारे को एजुमथ एंगल, जो कि एजुमथ एंगल जहाँ पे हमारे को कवरेज देनी है, जहाँ पे नेटवर्क कम होगा तो उसको कवरेज देने के लिए हमारे को एजुमथ एंगल की जरूरत पड़ती है। तो वो हम पॉपुलेशन के हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं, जितना भी एजुमथ एंगल हमारे को रखना है ठीक है गाइस। ओके, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं न्यू साइट, जहाँ पे हमारे को टावर इंस्टॉल करना है। क्यों? हमारे पास नियर एंड होती है एक वन साइट, यानी कि न्यू साइट, और इसके तीन होते हैं फार एंड। तीन फार एंड से मैंने, इसके बाद हम चलते हैं आगे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो नियर एंड में हमारे को कौन सी पिक लेनी है? 12 पिक होती है पैनारोमिक, जिसमें से हमारा 0 डिग्री से लेके 330 तक हमारे को 12 पिक लेनी होती है, जिसमें कि 0 से 30 30 का गैप लेके 12 पिक लेनी होती है। तो एक हमारे को जीपीएस पिक लेनी है, उसके बाद साइड पिक जहाँ पे हमारे को टावर इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद हमारे को बिल्डिंग पिक, बिल्डिंग लेआउट की पिक लेनी है, और नियर एंड से यानी कि हमारी न्यू साइट से लेके जो दूसरा फार एंड है, उसकी फार एंड की जूम इन और जूम आउट पिक लेनी है, जो कि तीन हमारे फार एंड होते हैं ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आगे जाता है फार एंड, जो कि हम फार एंड पे जाएंगे। तो हमारे तीन फार एंड होते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो नियर फार एंड लगेगा, ए फार एंड लग रहा है, बी फार एंड लग रहा है, सी फार एंड या डी फार। तो हमारे को बी फार एंड पे जाके हमारे को जीपीएस की पिक लेनी होती है, और उसपे टावर पे जितना एंगल हमारा जो नियर एंड है, जो हमारी को न्यू साइड है, जिसकी जितनी भी डिग्री आएगी, उस हिसाब से हमारे को बी की ए की पिक लेनी है। बी से जो ए ए टावर है हमारे को, उसकी पिक लेनी है। फिर सी पे जाएंगे तो सी पे भी ऐसे करेंगे, जीपीएस की पिक लेनी है, साइड पिक लेनी है, और एच सी सी से ए की पिक लेनी है, और अपना थ्री टावर पे डी, जो डी से ए की पिक लेनी है, जीपीएस पिक लेनी है एंड साइड पिक लेनी है। इसमें पैरानोमिक भी पिक की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप चाहते तो ले सकते हो। चलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरएफ सर्वे में जो टूल यूज़ होते हैं, तो उनको जो भी टूल यूज़ होते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा और मैं दिखाऊँ कि कौन से टूल यूज़ होते हैं। चलो एक बार इस पे ये देख लीजिए कौन सा टूल यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन स्टैंडिंग। तो सेकंड होता है अपना कंपास, और थ्री होता है कैमरा, कैमरा की जरूरत होती है हमें, फोर नोटबुक और पेन चाहिए सर इसमें, और एक मेजिंग टेप चाहिए, और लैपटॉप जो कि रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे को चाहिए। तो अपनी जो जीपीएस की रिक्वायरमेंट होती है कि इसके जहाँ पे भी अपनी साइड, आपको बताता है जीपीएस क्या है। ये होता है अपना जीपीएस ठीक है, इसको हम ऑन करेंगे ठीक है। इसको ऑन करने के बाद तो इस ये सेटेलाइट से अपना कनेक्ट होता है, तो जब ये सेटेलाइट से कनेक्ट होता है तो इसमें अपना लैट लॉन्ग आ जाते हैं। तो इसमें लैट लॉन्ग आने के बाद ये लैट लॉन्ग अपने को जिस जगह पे हमने टावर इंस्टॉल करना है, तो उस जगह की प्रॉपर लोकेशन ये अपने को जीपीएस में दिखाता है। तो वही लैट लॉन्ग हम अपने नोटबुक में
नोटबुक में एडिट कर लेंगे, तो ये अपने को उस जगह के पूरे लेआउट मिल जाएगा, ये जगह कहाँ पर है, तो इसको हम अपने मैप में डाल सकेंगे। तो जैसे ही हम अपने मैप में रेड जोन डालेंगे तो वो अपने को मैप के अंदर ये जगह बता देगी कि अपने यहाँ पे इस शहर में पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है, पूरा ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। नेक्स्ट, तो चलो नेक्स्ट अपना यूज चलो दोस्तों, ये कंपस। सेकंड, तो अपना ये कंपस होता है, ये अपने को बताता है डिग्री कि हमने किस डिग्री में अपना टावर इंस्टॉल करना है। तो ये अपने हमारे को डिग्री में आपको बता देता हूँ कि कैसे ये यूज़ करना होता है। चलो दोस्तों मैं आपका तो बताता हूँ कंपस, जैसे कंपस कैसे यूज़ करते हैं। तो ये अपना कंपस है, ठीक है। तो इसको हम ये देखने वाले हैं कि ये रेड पॉइंट जो अपने को दिख रहा है, ये रेड, इस रेड ये होता है नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो इसको हमको ये इस हमेशा ही इस नॉर्थ रेड को और नॉर्थ को रखना है। जो भी अगर हमारे को देखना है डिग्री, कितनी डिग्री पे हमने ये एंगल यहाँ पे लगाना है, तो जो भी ये देख रहे हो आप, ये जो शीशे में देख रहे हो लाइन, जो भी ये लाइन और इसकी यहाँ पे डिग्री आएगी, तो और ये नॉर्थ पे होगा। जब भी ये नॉर्थ पे होगा और जितनी भी डिग्री इसके और कंपास के बीच में यहाँ पे जितनी भी डिग्री आएगी वो अपना डिग्री होगा, यानी कि ये अब ये बिल्कुल इसका सीधा आ रहा है 60 डिग्री। तो ये अपने 60 डिग्री है इसके सामने। तो जैसे ही हम इसको कंपास को घुमाएंगे, ये यहाँ पे अपना नॉर्थ आ गया यहाँ पे और रेड यहाँ पे चल गया। तो इसको आप ऐसे घुमाते रहो कि ये अपना जो रेड पॉइंट है वो नॉर्थ हो जाए। ये हमेशा ही ये देखना है कि ये रेड और नॉर्थ ये एक सेम रहे। तो ये अपना जैसे भी इसके सामने आएगा वो अपनी डिग्री होगी। तो इसको ऐसे दोस्तों ऐसे यूज़ किया जाता है। देखो जैसे अपना ये नॉर्थ हम देखते हैं कि ये अपना ये नॉर्थ हो गया इसके सामने पूरा। तो ये देखो दोस्तों, ये अपना इस तरफ ये नॉर्थ है, तो ये रेड और नॉर्थ एक जैसे रहने चाहिए। तो इससे हमारे आरे को पता लगेगा, जैसे कि ये अभी देख लो हमने 30 डिग्री निकालनी है, तो नॉर्थ हमारा थोड़ा ऐसे था, थोड़ा हमारे को ऐसे घूम जाना है, तो ये अपने को 30 डिग्री इस तरफ दिखाएगा। तो ऐसे जैसे देखो 90 डिग्री का करना है, तो यहाँ पे आप इस स्क्रीन से और 90 डिग्री का पूरा एंगल पहले कर लो, और फिर यहाँ पे इस रेड को यहाँ पे है, तो इसको जैसे थोड़ा थोड़ा घूम जाओ आप और इसको नॉर्थ पे कर लो। तो जैसे ही ये नॉर्थ पे आ जाएगा तो अपने को डिग्री इसके सामने डिग्री दिखा देगा कि ये 90 डिग्री है। तो चलो दोस्तों ऐसे हमारे को कंपास ये यूज़ करना है। कैमरा जो आपको पता ही है कि अपने को पिक्चर लेने के लिए यूज़ होता है। और फोर्थ है नोटबुक और पेन। ये आपको पता ही होगा कि नोटबुक हमारे को जिस साइड का हमारे को एड्रेस चाहिए, हमने एड्रेस लेट लॉन्ग और एड्रेस यहाँ पे अपने नोटबुक में और लेआउट बनाने के लिए साइड का, तो ये यूज़ करेंगे। मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या होती है कि बिल्डिंग की हाइट नापने के लिए और हमारे को बिल्डिंग का जो लेआउट चाहिए तो उसका लेआउट बनाने के लिए ऊपर की जो छत है तो उसको मापने के लिए हमारे को एक प्रॉपर लेआउट बनाने के लिए हमारे मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ती है। और लैपटॉप, लैपटॉप होता है कि अपने को जो लास्ट में पूरा पूरा कंटेक्ट हमारे को जो भी हमारा डाटा होगा, फोटोज वगैरह होगी, जो हमारा एड्रेस हो गया, तो उसको रिपोर्ट एक तैयार करने के लिए अच्छे से, तो हमारे को एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से आर्क सर्वे टूल के ये यूज़ होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, जो कि आपको हर वीडियो मेरी जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।